सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करेंगे एसईपीसी लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 24 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस किस प्राइस पर रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर 50 डेज का मूविंग एवरेज लगाएगा। आप देख सकते हैं जो स्टॉक का ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक में जो 50 डेज का मूविंग एवरेज प्राइस है वो 27.55 रुपए पर है और स्टॉक उस प्राइस से लगभग 3 रुपए नीचे में ट्रेड कर रहेगा। तो अगर हम लॉन्ग टर्म के नजरिए से तो स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव साइड है, पर शॉर्ट टर्म में देखें तो स्टॉक के अंदर एक दबाव देखने को मिल रहेगा। यानी स्टॉक आप देखें तो कंसोलिडेट करके नेगेटिव साइड जाने के लिए तैयार है, क्योंकि स्टॉक में जो नीचे में एक सपोर्ट लेवल है वो 22 रुपीज पर है, जो ग्रीन कलर की नेक लाइन है। काफी समय से देखें तो स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे रहा था, पर जब स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा। ऊपर जो एक रेजिस्टेंस एरिया है वो 32 रुपीज पर है। अगर स्टॉक ऊपर में 32 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर क्लोजिंग बनाने में कामयाब होता है तो वहां पर स्टॉक के अंदर एक तेजी देखने को मिल सकती है। पर जब तक स्टॉक नीचे यानी 32 रुपीज से नीचे है, स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक नीचे में 22 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन करके नीचे क्लोजिंग बनाता है तो वहां पर गिरावट और ज्यादा बढ़ सकती है और स्टॉक नीचे में 15 रुपीज के प्राइस को भी रीटेस्ट कर सकता है।